पिछले दिनों मैंने जनरेटर्स के हवाले से कुछ वीडियोस बनाई थी, जिसमें मैंने बताया था कि एक साइड पर जनरेटर लगा दी, एक साइड पर मोटर लगा दी, तो क्या बिजली बनती है नहीं बनती। तो हमारे एक व्यूअर ने, जिनका नाम मैं भूल चुका हूँ माजरत के साथ, कहा था कि एक फ्लाई व्हील वाला जनरेटर भी होता है, उसका बताएं कि वो क्या होता है, काम करता है नहीं करता। तो ये वीडियो उसी हवाले से होगी। अस्सलाम वालेकुम नाजिन, मेरा नाम फैसल शाह, देख रहे हैं डिजिटल यूट्यूब चैनल, हमारा फेसबुक पेज। नाजिन, जो फ्लाई व्हील के साथ प्रोजेक्ट है, बहुत सारे पाकिस्तानियों ने भी किया है, बहुत सारे इंडियंस ने भी किया है। सेम प्रोजेक्ट है, बीच में नीचे एक समझे फ्रेम है, लकड़ी का फट्टा है, एक साइड पे एक 3 या 5 हॉर्स पावर की मोटर है, बीच में बेल्ट है, दूसरी साइड पे एक जनरेटर है, यूजुअली 5 KVA का, यानी 5000 वाट का होता है। बेल्ट के जरिए उनको आपस में कनेक्ट किया होता है और वो चलाते हैं, लेकिन बेल्ट के दरमियान में एक फ्लाई व्हील गोल साइज जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये लगाया हुआ होता है बैलेंसिंग व्हील के तौर पर। तो क्या होता है कि मोटर इस फ्लाई व्हील को घुमाती है और यह फ्लाई व्हील आगे उस जनरेटर को घुमाता है, और कहा यह जाता है कि ये कामयाब है और ये बिजली अच्छी बनाता है। तो डिटेल में ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, पर आई बटन में आ रही होगी, आप देख सकते हैं, वही डिटेल तमाम इस वाले प्रोजेक्ट में भी है। थोड़ा सा फर्क इसमें यह है कि जो बीच में फ्लाई व्हील लगा हुआ है, ये बेसिकली जब आप मोटर को वापडा के साथ चलाते हैं जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए, तो पहले फ्लाई व्हील घूमता है, फ्लाई व्हील घूमने के बाद वो आपका जनरेटर घूमता है। तो फ्लाई व्हील जब घूम रहा होता है तो वो कुछ एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर लेता है, तो पीछे से जब मोटर डिस्कनेक्ट होती है, यानी अगर आप मोटर को बंद भी कर देंगे तो फ्लाई व्हील थोड़ी देर तक जनरेटर को घुमाता रहेगा, और अगर आप मोटर को जब वापडा से डायरेक्ट लेके आएंगे उसके ऊपर, जनरेटर के ऊपर, तो बीच में छोटा सा जर्क आएगा, यानी छोटा सा झटका आएगा एक, उस झटके को जनरेटर पर पड़ने के बजाय वो फ्लाई व्हील ओवरकम कर लेगा, सिर्फ इसका फायदा ये होगा। इसके अलावा वही सारी बातें वैलिड हैं जो उस वीडियो में वैलिड थी। ये प्रोजेक्ट भी आपको फ्री बिजली नहीं दे सकता, फ्लाई व्हील जो है वो उसको भी एनर्जी चाहिए घूमने के लिए, और थोड़े टाइम के बाद वो फ्लाई व्हील स्लो हो जाएगा, बंद हो जाएगा और आपका लोड बंद हो जाएगा, तो ये प्रोजेक्ट भी कामयाब नहीं है। और अगर किसी ने ये प्रोजेक्ट कामयाब किया, मैं बार बार कहता हूँ, मुझे अनकट अनएडिटेड वीडियो भेजें, मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा आपके नाम के साथ, आपके चेहरे मुबारक के साथ, और मैं ये शो करूंगा कि जनाब इन हजरत ने ये काम किया और ये कामयाब हुआ, मैं गलती पे था, मेरी जो ऑब्जर्वेशन थी गलत थी, लिहाजा मैं रुजू करता हूं और आप ये कर लें। तो आप मुझे प्रूफ भेजें, मैं इंशाल्लाह ताला जरूर वीडियो बनाऊंगा। तब तक ऐसा कुछ नहीं आता जब तक बराए मेहरबानी अपने पैसे ज़ाया ना करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।